गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम वसंत से पार्ट 8 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। इस पार्ट में बच्चों ये बताया है कि एक बालक जो अपना गृह कार्य छुट्टियों में नहीं करता है और उसके बाद जब स्कूल खुलने वाला होता है तो उसे याद आता है, और याद आने के बाद वह किस प्रकार से तरह तरह के बहाने बनाता है, वही इस पाठ में बताया गया है। ये एक एकांकी है और इस एकांकी नाटक में पात्र बनाए गए हैं और इस नाटक को मंच पर भी प्रस्तुत किया जाता है। वसंत भाग 1 पाठ 8 ऐसे ऐसे एकांकी। ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। यानी लेखक का यहां परिचय दिया गया है। पाठ परिचय, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वही चीज़ आगे मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। अब इसमें पात्र दिए हुए हैं, यानी कि कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका परिचय है। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, ये सभी इसमें पात्र हैं यानी कैरेक्टर हैं। मोहन कमरे में बेड पर लेटा पेट पकड़कर करहा रहा है, माने उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पास में बैठी उसकी माँ उससे पूछती है तो वह बार बार यही कहता है कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसका गर्म पानी की बोतल से पेट सेक रही है, यानी उस पेट में जो दर्द हो रहा है उसे आराम देने के लिए एक गर्म पानी डालकर बॉटल के अंदर उससे उसकी सिकाई कर रही है। वह मोहन के पिता से पूछती है उसने कुछ ख़राब चीज़ तो नहीं खाई थी, कि ऐसा कुछ खाया तो नहीं था जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल एक केला और एक संतरा खाया था। यानी पिता जो उसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे वो कहते हैं कि उसने तो सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया था। दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर आकर अचानक बोला पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, कि दफ्तर से तो ठीक ही निकला था, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही बस अड्डे पर पहुंचा, बस स्टैंड पर पहुंचा और वहां पहुंचते ही कहने लगा कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, ये नहीं बता रहा है कि क्या हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, और कहती है कि मैंने इसे हींग चूर्ण और पीपरमेंट भी दे दिया, यानी हमने इसका घरेलू उपचार भी कर दिया है, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और पिता फ़ोन रखने के बाद बताते हैं, जब फ़ोन आता है पिता उस फ़ोन से बात करते हैं, और बात करने के बाद में वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं, डॉक्टर साहब के साथ साथ वैद्य जी को भी बुलाया गया है, और पहले वैद्य जी आ जाते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, यानी उसके शरीर में वायु बढ़ गई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया दवाई की खाने से ठीक हो जाएगा, कि मैं कुछ पुड़िया दवाई की दे रहा हूँ, उसे वे अगर खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं, और जैसे ही वैद्य जी चले जाते हैं और उसी समय तुरंत डॉक्टर साहब भी वहाँ आ जाते हैं।
वे मोहन की जीभ देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है और दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं कि उसे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बदहजमी है और मैं दवाई दे रहा हूँ, और ये देकर दवाई देकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसिन आती है, वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। और जब डॉक्टर चला जाता है, क्योंकि ये बीमारी की बात सभी लोगों को पता चल गई थी कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पास में रहने वाली एक स्त्री यानी पड़ोसिन आती है और वह बताती है उसकी माँ को कि बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं, वह मोहन का हाल पूछते हैं, क्योंकि ये बात सभी जगह पहुंच गई थी, मास्टर जी को भी पता चल गई थी। और उसी समय मास्टर जी भी आ जाते हैं और उससे उसका हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए पेट दर्द का बहाना कर रहा है। और मास्टर जी ये समझ जाते हैं कि छुट्टियों में दिया गया गृह कार्य मोहन ने पूरा नहीं किया है, इसलिए वह पेट दर्द का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ। कि पूरे महीने तो उसने मस्ती की, कोई गृह कार्य नहीं किया, अब काम पूरा ना होने के कारण स्कूल खुल गए हैं, अब स्कूल में सभी काम देखे जाएंगे, गृह कार्य चेक होंगे या सभी लोग उस गृह कार्य को चेक करेंगे, तो वह इस चीज़ से डर कर अपने पेट दर्द का बहाना करने लगा, इसलिए उसने ये बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और उसे 2 दिन का समय देते हैं कि तुम्हें 2 दिन दिए जा रहे हैं, तुम घर पे रुक के अपना जितना भी गृह कार्य है उसे पूरा करोगे और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ ये बात सुनकर दंग रह जाती है, और माँ को जब ये चीज़ पता चलती है कि सिर्फ गृह कार्य के कारण उसने ये बहाना किया है, तो वे आश्चर्यचकित रह जाती हैं, दंग रह जाती हैं। और पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है, और पिताजी जो दवाई लेकर आए थे, जिनके हाथ में अभी दवाई की शीशी थी, वो जब ये सुनते हैं उसी समय उनके हाथ से वो शीशी गिर जाती है और टूट जाती है। सभी लोग हंस पड़ते हैं और जितने भी वहाँ लोग होते हैं वो सभी हंस पड़ते हैं कि इस बालक ने इतनी बड़ी बीमारी बनाकर गृह कार्य नहीं पूरा किया था और ये कह दिया कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चों, इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से गृह कार्य समय पे ना पूरा करने के कारण किस बहाने बनाने पड़ते हैं, और स्कूल खुलने पर किस तरीके से उसने गृह कार्य ना करने के कारण बहुत बड़ा बहाना बनाया, जिससे पूरा परिवार, उसके माता पिता सभी परेशान हो गए। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपना इसका वर्क भी बहुत ही सुंदर अक्षरों में करेंगे। धन्यवाद।